कुमार विश्वास ने भंसाली को कहा जाहिल। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने पद्मावती मामले पर अपने मन की बात कहने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कई विभिन्न कविताओं के जरिए पद्मावती की पूरी कहानी बयां की। इसमें वो पद्मावती मुद्दे के पक्ष में खड़े नजर आए, जिसने संजय लीला भंसाली को फिल्म बनाने से रोकना चाहा था और उनकी पिटाई कर दी थी। कुमार विश्वास अपनी कविता में कहते हैं, अगर आप लोग अपने इन प्रसंगों को अपनी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो जमूरे हैं, जो जाहिल है, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, मिट्टी से प्रेम नहीं किया है। 19वीं मंजिल पर बैठ के इस देश के इतिहास, देश की संस्कृति की बात करते हैं, फिर चाहे मुंबई में बैठे हों या फिर कहीं और, आप इनसे नाराज होंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इन पर ध्यान देने की बजाय आप अपनी पीढ़ी को इतिहास सिखाएं, इस बलिदान के बारे में बताएं। कुमार विश्वास ने यह भी बताया कि वो अपने परिवार को लेकर 4-5 दिन के लिए राजस्थान के हल्दी घाटी जाते हैं। विश्वास ने यह भी कहा कि सबको एक बार कुंभलगढ़ के उस छोटे से कक्ष में जाना चाहिए जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। कुमार विश्वास ने कहा कि लोगों को बैंकॉक, हांगकांग, लॉस वेगास की जगह राजस्थान जाना चाहिए, अंडमान जाकर उस बंदूक को देखना चाहिए जिसे चंद्रशेखर ने चलाई थी। संजय लीला भंसाली पद्मावती नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उस पर राजपूत करनी सेना ने उन पर हमला कर दिया था। संगठन का आरोप है कि संजय लीला भंसाली ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी। इस पर काफी विवाद हुआ था। अंत में संजय लीला भंसाली ने कहा कि जिस सपने वाले सीन का जिक्र संगठन कर रहा है, वैसा कोई सीन फिल्म में नहीं है।